get a single person. And for an year, हम मैं और मैडम स्ट्रगल कर रहे थे लोगों को जोड़ने में, लोग आते थे जाते थे आते थे. There was a time जब हम दोनों ने गिव अप कर दिया. हाँ, six months dormant. The thing which has changed is like बहुत सारी एनर्जी आ गई. मतलब the new terms who are coming here. कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मोना, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के बारे में बात करते हैं कि क्या आज की वीडियो है मेरी, किस वीडियो आज की जो वीडियो है वो किस बारे में. तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो RHA से रिलेटेड है. RHA यानी कि रॉबिनहुड आर्मी है. वो एक NGO है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. आप में से कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं. रॉबिनहुड आर्मी ये जो है वर्ल्ड वाइड NGO है, ये जो है वर्ल्ड वाइड है. आप में से आप अगर जिस भी कंट्री में आप ज्वाइन हो सकते हैं. अभी जो है हर साल हमारे RHA में यानी कि रॉबिनहुड आर्मी में एक मिशन होता है. लास्ट टाइम ये जो मिशन हुआ था इसमें 500,000 लोगों को खाना खिलाया गया था, या जो भी अन्य जो दान करते हैं वो दिया गया था. और इस साल जो है वो #Mission30Million चल रहा है, यानी कि 30,00,000 लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. इसमें टोटल 10 कंट्रीज इन्वॉल्व है और हमारी इंडिया भी है, जो कि एक साथ मिलके एक महीने के अंदर अंदर 30,00,000 लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं. अगर आप RHA से यानी कि रॉबिनहुड आर्मी से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इस RHA की ऑफिशियल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं. और अगर आप दुर्गबिलाई में रहने वाले हैं तो मैं आप लोगों को RHA की जो हमारे दुर्गबिलाई की जो व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. आप लोग अगर चाहें तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं. आज मैं आप लोगों को RHA भिलाई के फाउंडर मेंबर से मिलवाने वाली हूँ कि हु इज द फाउंडर ऑफ RHA भिलाई. इन्होंने इतना अच्छा काम किया और हमारी भिलाई दुर्ग जैसी सिटी में, यानी कि इतनी छोटी और प्यारी सी सिटी में जो है एक सुंदर से ऑर्गेनाइजेशन को लाया, उसको स्थापित किया. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ.
मैं आज आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेके आ गई हूँ आर्य चेकियार की, रॉबिनट आर्मी की। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है। आप मेरे साथ लोगों को दिखाइए सबको, कौन कौन है यहाँ पे पूरी लाइफ। Hey guys, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कम ऑन, चलो मैं आप लोगों को अभी अभिषेक सर से मिलाती हूँ, वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। हेलो सर, आप लोग क्या क्या दे रहे हो? हम दे रहे हैं आटा, दाल और चावल। आटा, दाल और चावल यार। आई गेस 1 kg दाल है, 5 kg राइस और 5 kg आटा। 1 kg दाल, 5 kg चावल, 5 kg आटा, ठीक है। आओ अंदर भी दिखा देती हूँ। आगे से आटा ये जो सारे लोग हैं जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीन टी शर्ट में, कुछ कुछ लोग जो है वो ग्रीन टी शर्ट नहीं पहने बट वो मास्क पहने हैं। वो जो है हमारी रा फैमिली के, आरिश यानी कि रॉबिनहुड आर्मी फैमिली के, ये सारे फिर धूप पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। जितने भी नीडी पीपल थे मैं आपको उन सब से भी मिलवाऊंगी और बात करवाऊंगी कि कैसे मतलब कि उनकी अभी स्ट्रगल चल रही है कोरोना के मतलब कि COVID-19 के टाइम से। तो आप लोग रेडी हो मेरे साथ देखने के लिए? तैयार हो? चलो। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूप है, देख लो एक बार। इतनी धूप में भी लोग यहाँ पे बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं। और जो हमारे जो मेंबर्स हैं आरएचए के यानी कि रॉबिनहुड आर्मी के, वो सब भी यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि वो इतनी धूप में दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आप लोग भी हेल्प करो अगर आपसे जितनी भी हो सकती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का। आप लोगों ने वीडियो भी बहुत सारी देख ली कि कैसे यहाँ पे जो फूड ड्राइव है वो चल रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे फूड अभी सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम करेक्ट पालन करते हुए जो दे रहे हैं। अभी मैं आपको जो आरएचए रॉबिनहुड आर्मी भिलाई के फाउंडर मेंबर से मिलवाऊंगी जिनका नाम है डॉक्टर। ये हमारे साथ डॉक्टर शिवम पांडे सर। हाय, आई एम डॉक्टर शिवम पांडे। आई been associated with Robinhood Army since 3 years. We have been working in Robinhood Army. Team idea is not to take a single donation amount without contributing single rupee fund. We are donating food, the surplus food to the people, yeah, to the needy people, and providing education and connecting to the society. That's our basic idea. And हमारे से जो भी जुड़े हुए हैं वो सारे professionals हैं, most of them are doctors, engineers, and college going students who are into their professional activity. This is just zero funded organization who is feeding other people. So it's a very great idea to connect to the society, and I would like to move the crowd of the Bhilai and other states to join the Robinhood Army.
Army. You can join it by going to robinhoodarmy.com and you can mail there, and our guys, our volunteer management DM team will contact you very soon, and we will be very happy to get with you and do some drives with you. आज का टर्नआउट देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वैभव और शैली मैम को इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है, और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि हाउ आर एच एस कैन वर्क ऑटोनॉमसली। मैं पिछले 2 महीने से काफ़ी बिजी रहा हूँ, तो मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट इस वाली ड्राइव में थोड़ा कम था, बट फिर भी वैभव ने और मैम ने खुद ने मिल के ये काम करवा लिया। सो द सेम वे, अगर आप में से कोई भी बिकॉज इफ दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, तो अपने घर के पास भी ये चीज़ कर सकते हैं, और हम अपने आप से भी ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको किसी ग्रुप या हमारी हर टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, ये काम खुद से भी हुआ जा सकता है। बाकी मैं अपने ब्लॉगर्स को भी थैंक करना चाहूँगा, आप दोनों को, कि आप लोग आए और आपने हमें अपना टाइम दिया। प्लस आई गेस आपके थ्रू हमारा ये जो मैसेज है जीरो वेस्टेज वाला, ये और आगे बढ़ सकेगा। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर बेसिकली फाइटिंग द हंगर। हम सिर्फ भूख के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, और भूख में बहुत बड़ा ये चीज़ आता है कि हम खाना काफ़ी वेस्ट करते हैं। तो अगर शायद वेस्टेज कम हो जाएगी तो भूख की प्रॉब्लम कुछ नहीं, तो 10-15% तो काफ़ी कम हो ही जाएगा, ये हमारा सोचना है। इसके अलावा अगेन आई वॉन्ट टेक मच टाइम बिकॉज इट्स हॉट और वेदर थोड़ा ख़राब है, बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है एवरीबॉडी नोज़ द रूल, इट वाज रियली हार्ड टू एटलीस्ट गेट अ सिंगल पर्सन, एंड फॉर एन ईयर हम मैं और मैडम स्ट्रगल कर रहे थे लोगों को जोड़ने में। लोग आते थे, जाते थे, आते थे, जब वो टाइम जब हम दोनों ने गिव अप कर दिया। तब हमने स्टार्ट किया। मैडम वॉज एक्टिव ऑन दैट टाइम, उस समय मैडम अलग से काम कर रही थी, हम यहाँ पर काम कर रहे थे। अच्छा, हम लोगों को हमने कहा था कि रोड राइड करनी है, मैंने अपने दोस्त को पकड़ा और कहीं से पैकेट बनवाए, और हम लोगों को थोड़ा सा कैसे भी करके अपना चैप्टर शुरू कराना। इट वॉज रियली हार्ड टू एटलीस्ट गेट अ सिंगल पर्सन, एंड फॉर एन ईयर हम मैं और मैडम स्ट्रगल कर रहे थे लोगों को जोड़ने में। लोग आते थे, खुद जाते थे, आते थे, जब वो टाइम जब हम दोनों ने गिव अप कर दिया। थिंग विच हैज चेंज्ड इज लाइक बहुत सारी एनर्जी आ गई, मतलब द न्यू टर्म्स यू आर कमिंग हियर, दे यू आर डूइंग फिनोमिनल, आई एम फीलिंग सो लाइकिंग बीइंग विद यू, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नई एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। पहले हम लोग को कुछ करना पड़ता था, और बहुत सारा कुछ चेंजेस आता रहा है। एक चीज़ सीखने को मिली कि हर चीज़ डायनेमिक है, Oh, that is the beauty of RHA actually. Nobody should think that I am running RHA. RHA cannot... Yes, yes. Completely true. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो को बनाने के लिए, जो मेरी वीडियो बनाई है उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू मुकेश। थैंक यू सो मच मुकेश फॉर मेकिंग माई वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।